राज्य सरकार को पाखे बाट ना राज्य सरकार झूले रखे एवं पुणी ये भितर विभिन्न आसोसीएसन कर भितर भांगे भागभाग करेंगे ये कथा जना था एवं ये कथा ही करेंगे। राज्य सरकार पाखे प्लानिंग ना मानने कौन सी ठोस योजना जोटा ता ना जो कि ये एपटे राज्य देखू जे गमनागमन सुविधा एपर्तंत राज्य सरकार 23-24 वर्ष शासन में विजु गाँ गाड़ी कथा मन थी कोटि कोटि टंका तादर दुर्नीति है बस खत खाइला एवं बस पुणी खत खाई कबाड़िया को बिक्री है ये कथा भी मत राज्यवासी देखिंट तो वास्तविक जब आम देखा जे प्राय आमर ओडिशार गमनागमन व्यवस्था से गाँ को हो पंचायत को होर को हो ये प्राइवेट बस बा प्राइवेट जो व्यवस्था अच्छे तारी उपर निर्भर करे कष्ट स्वार्थ को माने अणदेखा करी जो माने राज्य स्वार्थ देखुले राज्यवासी गमनागमन व्यवस्था ही प्राइवेट लोक माने ताकु अणदेखा करके सरकार एमती केत कथा व्यक्ति स्वार्थ हो आउ कौन कंपानी की स्वार्थ दवापाई ये जो भाव बिना प्लानिंग रे लदि दि जाऊँगी सरकार पाखे बाट ना ये कथा जना था सरकार मैंने घुंगुड़े सरकार झूले की रखिए एवं सरकार पुणी तक भितर भागभाग सृष्टि कर अतीतर मत शिक्षक कथा हूँ विभिन्न कथा हूँ सबुठ यूनियन रागभाग करवा ये शासन अध्याय कौचि जे सब बड़े इतिहास कौच समस्त भांगी भांगिक रखिकी डिवाइड एंड पॉलिसी करके ये गोटे राज्यवासी को द्वंद्व रखिंट तो आज मत ठीक प्रमाणित है से कथा तो राज्यवासी मानने स्वार्थ को न देखिकी देखो राज्यवासी मुझे कह पक्ष राज्यवासी स्वार्थ देखे आज केन्द्र सरकार मानने आज विभिन्न जिला को जो जो जिला होता से पैसेंजर ट्रेन चलेबा एवं ये सब कथा कर व्यापक कर लोकंर गमनागमन व्यवस्था को कितु राज्य सरकार को पाखे से कथा भी ना आज गमनागमन ना रास्ता ठीक अच्छी ना एपटे गमनागमन व्यवस्था अच्छे ये पुणी 6 मास पर ये बस चलो 6 मास पर ये बस रण भविष्य हो पुणी आम प्राइवेट उपर निर्भर करें कितना प्राय जहाँ करा सरकार योजना करूँ सरकार बढ़ातु लोकों जदि लाभ हो पार लाभ हो कितु आपको गोटे स्थायी भाव में जो मैंने सरकारी बाद जो मैंने प्राइवेट आज पर्यंत चलती राज्यवासी को सुविधा दूसरी से स्वार्थ को एवं से जो अवदान को अणदेखा नक राज्य सरकार कथा भी विचार करा विचार नक ये को बाहर कंपानी की लदि आठ स्वार्थ दे कि लदि दे सरकार पुणी आहरी कोटि कोटि टंका मानने से कंपानी को लाभ देकर ये केते दिन बस चलो ये गोटे सन्देह भितर एवं एभली प्रकार डिवाइड एंड रूल न करके न झूलेकर स्थायी समाधान करूँ।